ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 को लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने कल आपको लास्ट वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। अब हम लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है इन ट्रेंगल एबीसी, इन ट्रेंगल एबीसी यानी किसी ट्रेंगल एबीसी में क्या कह रहा है, एंगल बी इज इक्वल टू राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, एंड ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है फर्स्ट क्या फाइंड करना है, साइन ए कॉस ए, नेक्स्ट साइन सी कॉमा कॉस सी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये आपका है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो थोड़ा पहले हम जो गिवन है हम पहले उससे ट्रेंगल का फॉर्मेशन करेंगे। तो कह रहा है ट्रेंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी कि हम एक राइट एंगल बनाएंगे, ड्रा करेंगे। चलो बनाते हैं राइट एंगल, ठीक है। क्या कह रहा है एंगल बी यानी कि इसको मान लेंगे बी और ये कितना दिया है 90 डिग्री, ठीक है। चलो ये मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं ए बी, तो यह हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखो इसमें हम देखेंगे क्या दे रहा है, कह रहे ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इजकल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इजकल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है मुझे साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो हम कल आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि जब कहीं राइट एंगल में कोई दो साइड होता है इसके, तो हम थर्ड साइड पाइथागोरस से फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे कि सिंस हम सॉल्व कर रहे हैं यहां से सॉल्व बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, ठीक है। और देखो यहां पे बीसी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, एसी का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, तो यहां पे क्या था एसी का स्क्वायर इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर मैंने राइट किया था, एबी का स्क्वायर दैट इज 24 का स्क्वायर। और बच्चे हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 का स्क्वायर आपका क्या होता है 49 का स्क्वायर, और जो 24 का होता है स्क्वायर वह आपका क्या होता है 576 यानी कि 576। अब हम दोनों जब एड करेंगे दैट इज गिव्स 625 यानी कि एसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, और जब यहां से एसी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 625 और इसका क्या होता है प्लस माइनस 25। लेकिन सिंस एसी इज योर लेंथ और लेंथ आपका क्या होता है कभी माइनस में नहीं आता है, तो डेट इज एसी की लंबाई क्या हो जाएगा यहां से प्लस 25 सेंटीमीटर हम काउंट कर लेंगे। तो देखो तो एसी कितना आ जाएगा मेरा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो तो मैंने राइट एंगल एबीसी में हम इसके तीनों जो साइड थे हमने उसको फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या निकालना है यहां से फर्स्ट साइन ए, तो क्या होता है फार्मूला, तो हम आपको कल बताए थे फार्मूला क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन डिग्री यानी साइन के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अगर साइन ए ना देखो मुझे एंगल यह लेना है तो क्या होता है किसी भी एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, अगर यह एंगल लेंगे तो इसके सामने का यह जो साइड होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और यह हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता किसी भी एंगल के लिए। अगर आप ए भी एंगल लेंगे देखो तो इसके सामने का यह हो जाएगा परपेंडिकुलर, यह हो जाएगा बेस और यह हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। तो खैर पहले हम लोग बात कर रहे हैं इस एंगल के लिए, ठीक है। तो इसके सामने का साइड या बीसी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि किसी भी एंगल के सामने की साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, और यह आपका होता है बेस, ठीक है। तो क्या होता है साइन के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि
थोड़ा पहले लिखो, पहले परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि दिस फिगर परपेंडिकुलर इज बी सी, हाइपोटेनस इज ए सी, देन वी पुट द वैल्यू, वी फाइंड 7/25, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए. एंड सिमिलरली इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ कॉस ए, कॉस ए का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ए इसी एंगल के लिए, फिर वही परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, यानी कॉस के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड विच यू पुट द वैल्यू बाय दिस फिगर वी गेट बेस इज ए बी एंड हाइपोटेनस इज ए सी. ठीक है, दैट इज गिव्स 24/AC यानी 24. ठीक है बच्चे, सॉरी 25. तो यह था फर्स्ट. देखो अब देखते हो था सेकेंड. सेकेंड मेरा है क्या, मुझे साइन सी फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, साइन सी. तो बच्चे देखो हम अभी आपको बताए हैं ना, तो देखो हम जब ये एंगल लेंगे, जब हम ये एंगल लेंगे तो इसके सामने का यह जो साइड है, ये जो साइड है वह इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाता है. अगर ये एंगल लेते हैं ना तो इसके सामने का ये जो साइड है परपेंडिकुलर हो जाएगा और यह मेरा तब बेस हो जाएगा फॉर दिस एंगल सी, और ये आपका कभी चेंज नहीं होता. ठीक है, तो यहाँ पे जब साइन सी लेंगे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो देखो तो इसमें फॉर दिस एंगल दिस विल बी परपेंडिकुलर, यानी कि क्या हो जाएगा ए बी, एंड दैट विल बी बेस एंड इट रिमेन एज द हाइपोटेनस, यानी कि ए सी. ठीक है, जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या यहां से हो जाएगा ए बी 24 और ए सी कितना दिया है 25. ठीक है, और बच्चे ऐसे हम कॉस सी की भी वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड इन दिस फिगर बेस विल बी बी सी फॉर दिस एंगल सी, एंड हाइपोटेनस विल बी रिमेन कॉन्स्टेंट, यानी कि ए सी. ठीक है, जिसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस सी इज इक्वल टू क्या था, बी सी अपॉन ए सी. बी सी मीन्स वॉट 7 सेंटीमीटर और ए सी मीन्स वॉट 25 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, फ्रॉम दिस फिगर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन पी माइनस कॉट आर. मतलब कि हमको इस फिगर से इस टेन पी और कॉट आर, सॉरी माइनस कॉट आर की वैल्यू हमको फाइंड करना है. तो देखो तो इसमें भी क्या है, ये जो राइट एंगल था जहां क्यू 90 डिग्री है, ठीक है, इसमें मुझे बेस क्यू आर की वैल्यू क्या है, अनफाइंड है, यानी कि सॉल्यूशन है. ठीक है, तो पहले हम इसे क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो लिखेंगे बाई, देखो यहां सॉल्व कर रहे हैं, यहां से क्या हो जाएगा, यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर. ठीक है, और देखो तो पी आर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, पी क्यू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर यू हैव टू फाइंड. तो जब यहां से इसका कितना होता है 169, ये हो जाएगा 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, और जब यहां से क्यू आर का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 169. जब इसको इस साइड ट्रांसफोर करेंगे प्लस से तो माइनस हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद से क्या आ जाएगा 25. ठीक है, और जब यहां से हम क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5. ठीक है, तो मैंने क्यू आर की वैल्यू क्या निकाल लिया, 5. ठीक है, तो अब देखो अब हम यहां से पहले 10 निकाल लेंगे, फिर कॉट आर निकाल लेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे. तो यहां से लिखेंगे क्या, बाय फिगर 10p. तो देखो तो जो 10p के लिए क्या होता है, फिर वही पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. ठीक है, यह क्या होता है, साइन कॉस 10. तो देखो तो यहां पे देखो फिर वही की जब हम यह एंगल लेंगे बच्चे तो इसके सामने का यह साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा और यह हो जाता है बेस, और यह आपका हाइपोटेनस किसी भी केस में चेंज नहीं होता. तो जब एंगल यह लेंगे दैट विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस, तो क्या होता है 10 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इन दिस फिगर परपेंडिकुलर विल बी क्यू आर एंड बेस विल बी पी क्यू, दैट इज गिव्स 5/12, दैट इज द योर 10p. ठीक है, एंड सिमिलरली इफ यू फाइंड द कॉट आर, देखो तो कॉट आर, तो देखो हम जब कॉट आर ले लेंगे बच्चे यहां से,
क्या लेंगे, यह लेंगे cot r। तो देखो तो जब हम जब यह एंगल लेंगे ना तो इसके सामने का यह साइड क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और यह हो जाएगा बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और ये बेस, तो काट के लिए फिर वही पहले टेन के लिए क्या होता है P अपान बी परपेंडिकुलर बाई बेस फॉर टेन। जो कॉट निकालते हैं तो क्या होता है टेन का रिवर्स यानी रेसिप्रोकल, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड इन दिस फिगर फॉर दिस एंगल आर बेस विल बी क्यू आर एंड परपेंडिकुलर विल बी पी क्यू एंड पुट द वैल्यू वी गेट क्यू आर इक्वल टू हाउ मच 5 एंड पी क्यू इक्वल टू हाउ मच 12, ठीक है। एंड नाउ इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 पी माइनस कॉट आर डेट इज गिव्स 5/12 10 पी 5/12 एंड कॉट आर 5/12 एंड डेट इज 0। सो दैट वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टेन ए। मतलब कि साइन ए की वैल्यू ये है और आपको कॉस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो तो पहले हम बनाते हैं एक राइट एंगल, पहले क्या बनाएंगे राइट एंगल, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है साइन ए ना, मतलब कि यहां पे एंगल ए ले लेंगे, ठीक है। अगर यहां बी होता तो इसको बी मान, सॉरी इसको बी मानते, अगर ये थीटा होता तो अंदर हम थीटा मानते, क्योंकि यहाँ ए बी सी में आ रहा है तो हम इसको ए मान लेंगे और ये बी और ये सी, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा राइट एंगल। तो मानेंगे यहां पे ले ट्रेंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रेंगल। मान लिया कि मेरे पास ए बी सी हमने राइट एंगल बनाया जहां पे क्या है एंगल बी आपका कितना है 90 डिग्री। तो अब देखो यहां पे है क्या सीन, साइन ए इजकल टू 3/4 यानी कि इस एंगल के लिए क्या दिया है 3/4 और क्या होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा इसको रख लो हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। या क्या होता है साइन के लिए यानी कि परपेंडिकुलर अपान यच दैट इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपान यच एंड आफ्टर द कंपेरिजन वी गेट पी इजकल टू 3 एच इजकल टू 4 यानी कि दैट विल बी फॉर दिस एंगल दिस साइड विल बी परपेंडिकुलर एंड दैट विल बी बेस एंड दिस इज अनचेंज यानी कि हाइपोटेनस दैट विल बी 3 एंड दिस विल बी 4, ठीक है। तो ये मेरा हो गया साइड ए से हमने इस ट्रेंगल में इसके साइड के जो थी वैल्यू मैंने पुट किया। तो देखो तो अब हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है कि एसी जो है वह क्या है अननोन है। तो पहले हम एसी की वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग द पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता है सिंस बाई पाइथागोरस रूल क्या होता है एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर एंड दैट इज गिव्स एबी यानी 4 का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 दैट इज 25 यानी कि एसी का स्क्वायर इक्वल टू 25 और यहाँ पे सीधे लगा रहे एसी इसका तो क्या मिल जाएगा 5 क्योंकि माइनस आएगा माइनस को छोड़ देते हैं। तो देखो तो मैंने एसी क्या फाइंड कर लिया 5। तो जब मुझे एसी 5 मिल गया बच्चे तो अब यहां से मुझे क्या निकालना कॉस ए निकालना है। देखो तो कॉस ए या साइन या कॉस या टेन कॉस के लिए क्या होता है बी अपान यच यानी कि बेस अपान हाइपोटेनस। चलो पहले लिखते हैं फॉर दिस एंगल क्या हो जाएगा कॉस के लिए बी अपान यच यानी कि बेस अपान हाइपोटेनस। और देखो तो बेस इसमें क्या आपका हो जाएगा अगर एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर या बेस यानी कि राइट करते हैं ए बी अपान ए सी एंड दैट इज दिस 4/5, ठीक है। ऐसे अगर हम टेन ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फिर वही क्या होता है टेन के लिए परपेंडिकुलर अपान बेस यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस इसको थोड़ा लिख रहे हैं कि इजी रहेगा। यह क्या हो जाएगा बी सी अपान ए बी एंड दैट इज दिस 3/4। तो दैट वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a एंड sec a, ठीक है। तो पहले हम यहां से cot a से हम एक राइट एंगल का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहां पे है क्या सिंस 15 cot a इज इक्वल टू 8 अगर हम यहां से cot a की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चे
तो क्या आ जाएगा 8/15। ठीक है, तो अब हम इस दिए गए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था ना, हम उसके लिए ट्रिंगल बनाए थे, अब हम इसके लिए भी राइट एंगल बनाएंगे। ठीक है, चलो मानते हैं यहाँ पे राइट एंगल। ठीक है, और देखो यहाँ क्या एंगल ए ना, तो इसको मान लेंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। फिर सुनिए, अगर यहाँ पे एंगल सी होता तो हम इसको सी मानते, अगर बी होता है तो इसको बी मानते, इजी के लिए। चलो मुझे ये मिल गया। तो अब देखो तो कोड के लिए फिर वही क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये क्या होता है साइन कॉस टेन। टेन के लिए क्या होता है पी अपान बी, पी अपान बी, लेकिन जब कोट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी अपान पी। तो मतलब क्या है कि इस ट्रायंगल में जो बेस होगा, बेस यानी बी माने बेस, वो क्या हो जाएगा ए। तो देखो ये अगर एंगल लेंगे दैट विल बी परपेंडिकुलर एंड दैट विल बी बेस, और यह क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहां देखो तो यह आपका बी सी कितना दे दिया है 8 और पी परपेंडिकुलर कितना दे दिया है 15। बच्चे देखो ना, बहुत से आपके क्लास टेंथ में इसी को रेशियो मान लिया है, जैसे यहाँ पे क्या दिया कॉट ए इक्वल टू 8/15 ना, तो यहाँ से इसको 8K या 15K या 8M या 15K माना है। अंति में वो जो होता है जो मानते हैं रेशियो में जो वेरिएबल मानते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है कैंसिल हो जाती है, तो हमने इसको कोई ज्यादा मैंने इसको तजुर्बो नहीं दिया। तो देखो मैं बस मैं सिंपल से लगा रहा हूँ। ठीक है, तो जब कॉट ए फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा मुझे ऐसे मिल जाएगा। अब यहाँ से देखो तो मुझे जो एसी है उसकी लंबाई मुझे अननोन है, तो यूजिंग पाइथागोरस को लिखेंगे बाई पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि एसी का स्क्वायर इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस बीए का स्क्वायर या एबी का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज गिव्स 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 मतलब 225, 64 दैट गिव्स 289। ठीक है, देखो एसी का स्क्वायर मुझे क्या मिल गया 289, और जब एसी फाइंड करते हैं यहाँ पर क्या होता है 17 का स्क्वायर, तो मुझे क्या मिल जाएगा 70। तो हमने यहाँ से एसी की लंबाई क्या फाइंड कर लिया 17। ठीक है, अब देखो इसमें मुझे क्या फाइंड करना है साइन ए। तो इन दिस फिगर इफ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन ए मीन्स फॉर दिस एंगल बीसी विल बी परपेंडिकुलर एंड एसी विल बी हाइपोटेनस, देयरफॉर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन वे वी गेट बीसी अपॉन एसी मीन्स 15/17 बाय दिस रूल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सिमिलरली वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेक ए मतलब फॉर कॉस बी अपॉन हाइपोटेनस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस will be for cos value and we find out the value of sec that will be reciprocal यानी कि hypotenuse upon base यानी कि 17/18। मतलब ये देखो जब हम cos की value होती थी तो क्या मिलता था base upon hypotenuse, लेकिन वहां क्या है sec ना इसका उल्टा मिल जाएगा यानी कि hypotenuse upon base। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 4। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो कह रहा है फाइंड आउट ऑल द टी रेशियो, मतलब कि जब sec की वैल्यू है तो सभी टी रेशियो यानी साइन थीटा cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या sec है तो 10 थीटा cosec और cot की बोले मुझे निकालनी है। तो देखो पहले हम इसके लिए फिर से हम राइट एंगल बनाएंगे, चलो मानते हैं मैं राइट एंगल। देखो ना यहाँ पे क्या दिया थीटा। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल को कुछ भी मान सकते हैं ए या बी या सी, आप इसको पी क्यू आर भी मान सकते थे। अब देखो यह पे क्या है ठीक है ना, तो इस एंगल को मान लेंगे थीटा। ठीक है, चलो ये हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन sec थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 13/12 sec, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये थे साइन कॉस 10। तो अब देखो यहाँ पे जब कॉस था तो क्या मिलता था बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन जब क्या सेक है यानी कि इसका रेसिप्रोकल दैट इज हाइपोटेनस अपॉन बेस, मतलब कि हम इस राइट एंगल में जो इसके साइड है हम इस साइड को आसानी से हम फाइंड करिए 13 विल बी हाइपोटेनस
एंड बेस विल बी 12, दैट विल बी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि मैंने एंगल ये ले लिया, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि किसी भी एंगल के सामने का परपेंडिकुलर या बेस हाइपोटेनस। अगर एंगल ये लेते यह परपेंडिकुलर या बेस ये कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो देखो तो ये क्या आपका 13 हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 12। तो जब यहाँ से हम बीसी का स्क्वायर फाइंड करेंगे, देखो थोड़ा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, एसी के स्क्वायर में से एबी के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, समझ में आया। अरे ऐसे भैया पाइथागोरस से क्या होता है, इसका स्क्वायर यानी कि बीसी का स्क्वायर प्लस एबी के स्क्वायर से, ठीक है। और हम जब यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड किया तो इसको भेज दिए इधर, तो माइनस कर दिए, ये कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 17 का कितना होता है 289, ये कितना होता है 12 का 144, माइनस करो तो ये 5 ये 4 और ये आपका कितना जाएगा, ठीक है। इसको हम जब लगाएंगे तो क्या जाएगा यहां से 1, थोड़ा एक बार देखते हैं, एक यहाँ पे छोटा सा हाल्ट हो गया था, यहाँ पे देखो तो मैंने क्या लिखा था, एज की वैल्यू 13 ना, लेकिन देखो तो यहाँ क्या था 17, जो यही नहीं कट रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट इज 169, ठीक है। और जब इसको हम माइनस करेंगे दैट इज दिस 25, सॉरी वहां पर मतलब 13 था तो मैंने यहाँ 17 लिया था, बाकी सही है। अब देखो यहाँ पे बीसी का स्क्वायर क्या आ गया 25, और जब यहाँ से बीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस 5 माइनस में छोड़ देते हैं, क्योंकि बीसी विल बी लेंथ, लेंथ भी माइनस में नहीं होता, ये क्या ले लेंगे 5, तो मुझे बीसी की लंबाई कितनी मिल जाएगी 5, ठीक है। अब देखो जब ऐसे मिल गया तो सिंपल यहां से साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा और भी जो इसके रेसिप्रोकल है सेक थीटा के बाद ऑलरेडी है ही है तो इसको छोड़ देंगे, और क्या कॉस थीटा हम फाइंड कर लेंगे कैसे, यहां देखो तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपान एच यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा 5 अपान 13, और ऐसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा।